तो क्या बड़ी बड़ी बातें करें, छोटी छोटी काम आने वाली बातें करें, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी बहुत सुनी, ठीक है। और कितनों को एक्टिविस्ट बनना है और कितनों को जर्नलिस्ट बनना है? एक्टिविस्ट वाले कितने हैं? किसी को नहीं बनना है, आपको एक्टिविस्ट बनना है। अच्छा, और जर्नलिस्ट कितनों को बनना है? अच्छा अच्छा, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बनना है या एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट? प्रोफेशनल जर्नलिस्ट किसको बनना है? अच्छा, अरे यार बहुत ठंडे पड़ गए हो, हाथ ऊंचा करने में भी आप में जोश होगा तो मुझ में जोश होगा बोलने का, ठीक है। तो मैं पहले एक सलाह देता हूँ कि ये 20 से 25 साल की उम्र में जो आपकी फ्रेम बन जाएगी ना, आइडियोलॉजिकल फ्रेम, वो पूरी जिंदगी ऐसी जकड़ के आपको रखेगी, आपको केज में बांध लेगी। तो 20 से 25 वर्ष की उम्र में लेफ्ट वाले आए, राइट वाले आए, सेंटर वाले आए, किसी आइडियोलॉजी में मत फंसना, ठीक है। कोई एनजीओ वाले आएंगे, अपने आप को मुक्त रखना, तभी आगे की लाइफ में आप प्रोफेशनल अनबायस जर्नलिज्म दे सकेंगे। अब मैं जो बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा समय तो मैंने स्ट्रक्चर्ड स्पीच देना मुनासिब समझा है, तो मैं आपको अपने छोटे छोटे क्यूरेटेड एक्सपीरियंसेस सुनाता हूँ। क्यूरेटेड मतलब सिलेक्टेड, जो बड़ी मेहनत मशक्कत से हम सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सुनाऊंगा, 2002 मेरा तबादला हुआ प्रिंट जर्नलिज्म में। मैं पहले कह दूं कि मैं गुजरात समाचार में 14 साल था, तो मैंने प्रिंट में जर्नलिज्म किया, और उसके बाद आप सबका जो ड्रीम होगा इंडिपेंडेंट, मैंने अपनी वेबसाइट शुरू की, नौकरी के साथ ही की, उन्होंने परमिशन दी, क्योंकि वो गुजराती अखबार में अंग्रेजी में वेबसाइट शुरू किया, तो उनका कोई हित उसमें वो नहीं होता था, क्लैश नहीं होता था। फिर मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम ये इंग्लिश वेबसाइट अभी चला रहा हूँ, तकरीबन 11 साल हो गए। तो मैं जब प्रिंट में था, मेरा तबादला हुआ नॉर्थ गुजरात में, मेहसाणा करके टाउन है छोटा सा, नॉर्थ गुजरात एडिशन में। तो 2002 की ये बात है, जैसे नाम तो सुना होगा, साल तो सुना ही होगा, खास करके गुजरात के किस्से में 2002, लेकिन ये दूसरी बात है। तो हमें कहा गया कि भाई आप अहमदाबाद के जर्नलिज्म में नहीं है, अर्बन जर्नलिज्म में नहीं है, आप गांव के जर्नलिज्म में है, तो राइटिंग स्किल को उसी तरह से आप शार्पन कीजिए और उसकी प्रैक्टिसेस फॉलो कीजिए रीजनल जर्नलिज्म की। तो उसमें एक प्रैक्टिस ये थी कि हेडलाइन में कास्ट का नाम लिखना, ज्ञाति का नाम लिखना। तो ये इसके पीछे लॉजिक था, और ये लॉजिक ये था कि हम अगर तालाब में तीन लोग डूब गए हैं तो लिखेंगे कि फलाने गांव में तालाब में तीन लोग डूब गए, तो वो स्टोरी तो वो गांव में ही पढ़ी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और तालाब में डूबना वो तो एक आम खबर गिनी जाती, आगे कोई पढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर तालाब में तीन पटेल डूब गए हैं, पटेल कास्ट के लोग, और अगर हम हेडलाइन में वो भी अगर संभालें कि ये फलाने गांव के तालाब में पटेल, तीन पटेल डूब गए, तो हमारे एडिटरों का मानना था और मानना है अभी भी काफ़ी रूरल रिलेशन में ये प्रैक्टिस है कि वो ज्ञाति का नाम लिखने से नॉर्थ गुजरात के सारे पटेल उस स्टोरी से अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे, सिंक फील करेंगे और कवर्ड फील करेंगे कि देखो हमारा कवरेज आया, तो स्टोरी की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पटेल तो पूरे नॉर्थ गुजरात में, वो स्टोरी कोई गाँव तक सीमित नहीं रहेगी, वो कोई आम स्टोरी नहीं रहेगी। तो ये कनेक्शन करने के लिए ये ज्ञाति का नाम, अभी हम क्या करेंगे, मैंने अभी पढ़ा पिछले हफ्ते, चार रबारी युवक एक्सीडेंट में मारे गए, तो रबारी कम्युनिटी है, तो वो उसमें मेंशन किया, तो नॉर्थ गुजरात के सारे रबारी पढ़ेंगे कि अरे हमारी कम्युनिटी में से कौन मारा गया, क्या हुआ, चलिए पढ़ते हैं, तो उसका रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, सर्कुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छा है। तो और अब तो मैं क्योंकि डिजिटल जर्नलिज्म में हूँ, तो जब हम कोई ट्वीट कर देते हैं कोई स्टोरी की हेडलाइन और उसमें कास्ट या फेथ का नाम आ जाता है, मेंशन आ जाता है, मुस्लिम, दलित, राजपूत, क्षत्रिय, जैन, तो वो कास्ट के लोग फटाफट क्लिक करते हैं। तो हमारे पास अभी क्या है कि अखबार में तो कोई एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है, हमने अखबार निकाल दिया दूसरे दिन पाठक क्या पढ़ेंगे हमें मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन डिजिटल में तो हम लाइव देख सकते हैं, मैं अपना मोबाइल अभी खोलूँ तो मेरी कौन सी स्टोरी पे कितने लोग बैठे हैं, कौन से गांव से बैठे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से बैठे हैं मोबाइल के या टैब से बैठे हैं, वो भी देख सकता हूँ। तो ये ट्रैक्शन तो आता है, ये तो मैंने डिजिटल में जाके तो देखा कि अगर ट्वीट में मैंने लिख दिया कि जैन का ये वो हो गया किस्सा, तो काफ़ी नायग्रा धोध वाटरफॉल की तरह फटाफट सी हिट आती है वेबसाइट पे। तो ये कास्ट का मेंशन इस हिसाब से हो रहा था, लेकिन अभी उसमें भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अगर ये डूबना और एक्सीडेंट होना तो ठीक है, लेकिन अगर ये मेंशन कर दिया कि किसी कास्ट का नाम किसी क्रिमिनल इंसिडेंट में कि मर्डर हो गया, और इसमें मानो के दलित का मर्डर हो गया और मर्डर करने वाले अपर कास्ट के लोग अक्यूज्ड है, तो अगर वो मेंशन हो गया तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें वायलेंस भी हो सकता है, उसमें एनजीओ भी आ जाएंगे, एक्टिविस्ट भी आ जाएंगे, उसमें पॉलिटिशियन भी आ जाएंगे, उसमें जो रिलीजियस संस्था जिनका स्टेक है वो भी आ जाएगी,
तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे में हेडलाइन में कास्ट का नाम लिखना या न लिखना, ये एक पसोपेश है। डिमांड करता है सर्कुलेशन के लिखिए, लेकिन एथिकली गड़बड़ हो जाती है, और काफी गड़बड़ अभी अभी के दिनों में गुजरात में हुई है ये कास्ट की लाइन पर। तो ये भी देखना चाहिए कि दो कास्ट के बीच का मामला है तो हम हेडलाइन में उसको समाएं या सिर्फ आर्टिकल में समाएं, या आर्टिकल में भी वो चीज अवॉइड करें। ये एक क्वेश्चन मैं थ्रो कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से सोचेगा और ऑब्जर्व कीजिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी लगी है कि दलित नाम और अपर कास्ट और लोअर कास्ट ये मेंशन हेडलाइन में या आर्टिकल में नहीं होना चाहिए, और दिल्ली हाईकोर्ट में इसमें अभिप्राय भी मांगे हैं सबके। तो ये एक चीज़ मुझे रेलेवेंट लगी आज के विषय के संदर्भ में आपके सामने रखने में। 2004 की बात करता हूँ। अभी जो एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, पीटीआई यूएनआई जैसे एजेंसी के प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, या टाइम्स ऑफ इंडिया भी काफ़ी बड़े तौर पे प्रोफेशनल जर्नलिज्म करता है, लेकिन कई बार मिक्सिंग हो जाता है ओपिनियन का, लेकिन प्रोफेशनल जर्नलिज्म अगर आपको करना है तो 2004 का मैं एक और वाक्य सुनाता हूँ। तब ये धंधू का लोकसभा सीट थी, डिलिमिटेशन में निकल गई 2007 में, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी। तो उसका हम रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे ग्राउंड का जायजा लेने के लिए। तो कांग्रेस के उम्मीदवार योगेंद्र मकवाना वो स्लम एरिया में मीटिंग कर रहे थे, तो हम बाहर इंतजार कर रहे थे उनकी बाइक लेने के लिए। तो बाहर कुछ दलित मिले हमें, तो उन्होंने उनके साथ हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो बॉल बेरिंग के जो फैक्ट्रीज है वो हम दलितों को नौकरी पे नहीं रखते हैं, अपर कास्ट की है फैक्ट्रीज, हमें नौकरी पे नहीं रखते हैं। अब ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बायस हो गया, और हमने कहा तो बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया, स्टोरी तो और करने आए थे, इलेक्शन का जायजा लेने आए थे, लेकिन हमारी दिलचस्पी इसमें बढ़ गई। तो हमने जो वहाँ के जो सिटिंग एमपी थे उनके कुछ रिलेटिव्स थे उनको पूछा कि ये क्या है, उनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे लोग थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो यहाँ के दलित है राणपुर के, उन्होंने ये बॉल बेरिंग के जो मालिक है कारखाने के उनके सामने एट्रोसिटी का केस कर दिया है। तो ये मालिक घबरा गए कि अगर दलित को नौकरी पे रखा और कल को वो नौकरी पे लेट आया, काम नहीं करता है, नौकरी से निकाल दिया, कोई और प्रॉब्लम हो गया, दारू पी के आया है, कोई भी प्रॉब्लम, ये तो कोई भी कम्युनिटी के साथ हो सकता है, कोई मैं, लेकिन आपकी समझ आए, आप विद्यार्थी है इसलिए मैं पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ इनडेप्थ में। तो अलग अलग कारण में डांटना भी पड़ सकता है, तो अगर एट्रोसिटी का एक्ट मुझ पे लग गया तो वो मालिक का वर्जन था। फिर मैंने ये पूछा वो स्लम डेलर्स को कि भाई ये एट्रोसिटी का केस हुआ था, तो कहा हाँ हुआ था, तो वाजिब था या नहीं था, तो बोले एक्टिविस्ट यहाँ के थे एक, तो उन्होंने कहा था कि आपका अधिकार है, आप ये कर सकते हैं, तो हमने किया था, ये तो हकीकत है, लेकिन एक व्यक्ति ने एट्रोसिटी का केस किया, उसका खामियाजा सब क्यों भुगते, और मालिक का कहना था कि मैं क्यों ये झंझट में पड़ू, ये तो एक्ट के साथ मेरा अरेस्ट हो सकता है, तो मैं तो दूर रहूंगा। फिर मैंने ये उदाहरण काफ़ी लोगों को पूछा, शेयर किया, क्योंकि ये तो 2004 की बात है, तो कई लोगों को मिलने पे मैंने कहा, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अभी जो ये महिला का कानून आया है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड काफ़ी लंबी छुट्टी अब कायदे से मिलनी चाहिए लेडीज़ को, ये कायदा अभी ये सरकार लाई है, तो उसकी वजह से विमेन को भी कई आईटी कंपनियां नौकरी में नहीं रखती है। और कुछ लोगों ने कन्फेस किया कि हाँ ये 6 महीने तक प्रेगनेंसी रिलेटेड ये रहेगा छुट्टी, तो हम क्यों रखें, उसकी जगह जेंट्स को रखते हैं तो हमारा मामला तब तक निपट जाएगा, मुफ्त में तनख्वाह क्यों दे, तो ये मानसिकता है। तो ये शेयर करने के पीछे मेरा हेतु ये है कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट अगर आप बनेंगे और अगर आपको किसी चीज़ का निपटारा लाना है, सॉल्यूशन लाना है, तो आपको सारे पर्सपेक्टिव समझने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट बन जाओगे एक बाजू में आपकी संवेदनाएँ आकर्षित हो जाएगी, आप उस केज में ट्रैप हो जाएंगे और फिर आप उसी नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, लेकिन 360 डिग्री में अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपकी पेन से जो टपकेगा वो लोगों को भी पढ़ना पसंद आएगा, और आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव रहेंगे, तो उसका सॉल्यूशन लाने में भी अगर आप लिखते हैं तो सत्ताधीशों को भी सहूलत रहेगी। तो सारे पर्सपेक्टिव आप कवर कीजिए, आप अपने कान खुले रखिए, डोंट बी एक्टिविस्ट, बी जर्नलिस्ट, ये मेरा दूसरा आपको सजेशन है 2004 के वाक्य में। फटाफट में 2008 में आ जाता हूँ। 2008 में 2007 में नरेंद्र भाई की तब की जो गुजरात की सरकार थी उसने निर्मल गुजरात अभियान उठाया था। यार 5 मिनट तो जाती हो जाएगी यार, अभी तो शुरू किया है, ठीक है। तो 2008 में निर्मल गुजरात अभियान का, तो हमारे पास एक दलित भाई थे, स्वीपर थे, तो और आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे, तो उन्होंने ये बात हमें कुछ कौभांड के लिए बुलाया था।
तो पूरा स्लम क्वार्टर था, उसमें बड़ी डीप गली थी और उसमें लास्ट मकान उनका था। अब वो वाल्मीकि समाज से थे, स्वीपर थे, और मैं अपनी सरनेम से ही जाहिर था ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने पानी, चाय, कॉफ़ी, दूध पूछा। अब मैं उस टाइम सच में कहता हूँ कि बाहर कुछ नहीं लेता था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तोंद भी बढ़ जाने का जाने की संभावना थी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाना वगैरह। लेकिन चूंकि वो वाल्मीकि समाज के थे, मैं ब्राह्मण था, अगर मैं वहाँ पे पानी नहीं पीता, अगर मैं उनकी चाय कॉफ़ी या दूध एक्सेप्ट नहीं करता, रिफ्यूज़ करता, तो उसके अलग मीनिंग हो जाते। तो ये भी मुझे कहना है कि जर्नलिज्म में अगर आप स्टोरी करने जाए और किसी मजलूम, किसी पीड़ित, किसी इस तरह के इंसान को मिले, तो संवेदनाओं का हमेशा ख्याल रखें, कहीं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। अब मैं 2015 की बात करता हूँ, सीधा मैं बीच के कुछ स्टेप जंप कर रहा हूँ। 2015 की बात करता हूँ तो गुजरात में पाटीदार एजिटेशन शुरू हो गया। तो पाटीदार एजिटेशन में हार्दिक पटेल ने सूरत में एक जगह पे अपने भाषण में बता दिया कि डायरो फंक्शन था, ये गुजराती लोक संगीत का फंक्शन था, तो उसमें हार्दिक पटेल ने मंच पर से बता दिया कि ये डायरो गाने के लिए आप सिर्फ पाटीदारों को ही बुलाएं, सिर्फ पटेलों को ही बुलाएं। अब डायरा की हमारी जो लोक संस्कृति है वो गढ़वी, चारण, ये सब कम्युनिटीज लोक संगीत परोसती है, शायद राजस्थान में भी कुछ कम्युनिटीज और कास्ट होगी ये करती है। अब उसने कह दिया कि ये सब को छोड़ो, सिर्फ पटेल को ही गाने के लिए बुलाओ। तो हमने बड़ी मजम्मत की थी, क्योंकि ये कास्टिस्ट और कास्ट बायस वाला स्टेटमेंट था, और आज भी हम हार्दिक पटेल की मजम्मत करते रहते हैं। क्योंकि क्या है कि मैं एक न्यूज़ डिस्कशन में गया था, तो एंकर ने कहा कि उसको हार्दिक पटेल का फ़ोन आया था, क्योंकि वो एंकर लेडी है, सिंगल नेम अपना इस्तेमाल करती है। तो हार्दिक पटेल ने फ़ोन करके उसको पूछा कि आपकी कास्ट कौन सी है, तो मैं बड़ा शौक हो गया, कैसे कैसे पूछ सकता है। और मुझे भी लिफ्ट में एबीपी स्टूडियो के बाद डिस्कशन के बाद हार्दिक पटेल मिला, तो उसने भी पूछा कि आपका सरनेम कौन सा है, ऐसे ही दाढ़ी पे हाथ लगा के मुझे पूछ रहा था। और जब मैंने कहा जपन पाठक, तो ब्राह्मणों के प्रति उसको बायस है, क्योंकि तो ब्राह्मण पत्रकारों ने बहुत उसकी खींचाई की, क्योंकि वो एक कास्टिस्ट एजिटेशन चला रहा था, गलत एजेंडा चला रहा था, तो उसके मेरे साथ बात करने के मायने बदल गए, थोड़े अनफ्रेंडली हो गए। हाँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अभी मैं 2018 में आ जाता हूँ। अभी काफ़ी सारे एट्रोसिटी के रिलेटेड कंप्लेन हुई, कास्ट बायस की कंप्लेन हुई गुजरात में। लेकिन जब हम पूरा पर्सपेक्टिव लेने के लिए गए तो दो तीन वर्जन सामने आए। तो मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की बार बार आपको बात करता हूँ, तो उसमें मैं दो तीन उदाहरण दूंगा। अभी हफ्ते पहले ये बना हुआ कि बोटाद में कुछ दलित लड़कियों ने कंप्लेन कर दी कि हमें महादेव के मंदिर में पूजा नहीं करने दी गई शिवलिंग की, तो एट्रोसिटी का केस लगा दिया। अब एट्रोसिटी के केस में ये भी प्रावधान है कि आपको FIR करते ही ऐसे में हमने 25,000 रुपये मिलते हैं, जब चार्जशीट हो गई तो दूसरे 25,000 मिलते हैं, और जब केस का चुकादा आ जाए अगर आपके फेवर में तो आपको 50,000 यानी 1,00,000 रुपये मिलेंगे, FIR करते ही 25,000 मिलेंगे, तो ये कायदा है। तो उन्होंने एट्रोसिटी की जो 7-8 दलित लड़कियां थी उन्होंने कंप्लेन कर दी। उसके बाद जब मीडिया पूरा वहां पे पहुंचा कि एकदम बड़ा अनजस्ट मामला है मंदिर में इस तरह से, तो मामला बाहर आया कि वो कास्ट बायस का नहीं लेकिन जेंडर बायस का इश्यू था। वो पुजारी का फरमान था कि किसी भी विमेन को इस महादेव की पूजा नहीं करने देंगे, क्योंकि उसने कोई धार्मिक किताब में पढ़ा था कि महादेव की पूजा लेडीज नहीं कर सकती, तो वो कास्ट बायस का नहीं लेकिन जेंडर बायस का इश्यू था। तो 8-9 घंटे तक कास्ट बायस तक चला, सारा मीडिया पहुंचा, एड्रेस किया, उसके बाद मालूम पड़ा कि जेंडर बायस का इशू है। तो हमेशा क्रॉस चेक करें, उड़ते तीर मत पकड़िए, ये भी मैं कहता हूं, और पूरा पर्सपेक्टिव लीजिए, दोनों ही गलत है, कास्ट बायस भी गलत है, जेंडर बायस भी गलत है, लेकिन स्टोरी कास्ट बायस में चली जाती अगर जर्नलिस्ट जमीन पर नहीं पहुंचे होंगे। दूसरा था भावनगर के पास के गांव का मामला था कि दलित घोड़े पर चढ़ा, और घोड़े पर वो चढ़ा तो रजपूतों को ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसको मार डाला, उसकी बड़ी ब्रूटल मर्डर हुआ। जब उसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुआ तब मामला हुआ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला था, उसमें जो अक्यूज थे कोली कम्युनिटी के थे, और वो कोली कम्युनिटी का हस्बैंड वाइफ थी, तो उसकी जो वाइफ थी उसके साथ इसका अफेयर था, और वो आदमी ने इसको मारा था, तो वो एट्रोसिटी की कंप्लेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गलत निकली थी। तीसरा भी है ये, और ये सिर्फ एट्रोसिटी के केस में नहीं होता, ये और भी कई केसों में होता है। एक ढोल का इंसिडेंट था कि ढोल बजाने के लिए दलित को मारा गया बुरी तरह से, फिर जब उसमें जो दूसरा वर्जन आया दूसरे या तीसरे दिन, तो वो वर्जन आया कि वो जिसके सामने FIR हुई थी वो भी दलित थे उसमें से काफ़ी लोग, और वो दारू पी के रोज बीवी को मारता था,
तो उसे गांव में बड़ा ये चिल्ला वो चिल्लाती थी बीवी, काफी वो हंगामा होता था। तो अड़ोस पड़ोस के लोग उस बीवी को मदद करने चले गए थे, वो भी वाल्मीकि कम्युनिटी से थे, और सरपंच और उसका बेटा भी इंटरवीन कर रहे हैं कि भाई क्या हंगामा है। तो इन सबके सामने एट्रोसिटी लग गई। दूसरे दिन मालूम पड़ा कि जिनके सामने लगे उसमें से कुछ वाल्मीकि समाज के हैं, और सरपंच और उसका लड़का इंटरवीन करने के लिए आए थे। ढोल का मामला नहीं था, दूसरे दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद आया। एक ब्लेड से इंजरी हुई थी बैक पर, उसमें ये मामला आया था कि अपर कास्ट के लोगों ने ये कहा कि भाई तू मूछ के बारे में कंप्लेन क्यों की, तो उस बारे में वो मारा था। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन में दूसरी बात आई, लड़के ने भी कन्फेस किया कि कोई एक्टिविस्ट आए थे एनजीओ वाले, तो उनके कहने पे हमने ये कंप्लेन की थी, माफ़ी भी मांगी पेरेंट्स ने। तो ये तीन चार वर्जन है, और ये सिर्फ इस दायरे में नहीं आते, दूसरे दायरे में भी आते हैं। जैसे मोरबी में एक इंसिडेंट हुआ कि एक साधु उठा के ले गया है बच्ची को, छोटी बच्ची को, तो महिला ने कंप्लेन कर दिया। अब मीडिया ने तो ये शुरू कर दिया कि सारे ही जो रेलवे स्टेशन एसटी बस स्टेशन में साधु लोग बैठते थे, वो गंजेरी वगैरह जितने भी है, वो सबके इंटरव्यू लेके उनको कड़े सवाल पूछने लगे कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्यों बैठे हैं, आप बच्चा उठाने का धंधा तो नहीं करते। तो ये दो दिन तक चला ये मामला। उसके बाद बाहर आया कि वो जो वुमेन थी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और उसने अपनी बच्ची को उसके प्रेमी के साथ मिलकर कैनाल में डलवा दिया था, अपनी ही बच्ची को, और ये एक साधु उठाने वाला पूरा मामला गलत था। अभी अहमदाबाद में तीन युवकों, दो युवक और एक युवती के सामने रेप की कंप्लेन हो गई। बस मैं समअप कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल के फुटप्रिंट्स, कोई भी वो लड़की की फेवर में नहीं मिले। तो व्हाट आई मीन कि कैरिड अवे मत हो जाइए, संवेदना रखिए, पूरी संवेदना के साथ मजलूम के साथ खड़े रहिए, कमजोर के साथ खड़े रहिए, लेकिन आपका माध्यम सीधा होना चाहिए। ठीक है, मुझे भगवान को भजना है तो मैं आसाराम पप्पू के पास नहीं जाऊंगा, मैंने किसी को जरिया नहीं बनाऊंगा, मैं सूर्यनारायण को डायरेक्ट अपने कंपाउंड में आके दर्शन कर लूंगा, उन्हीं से सृष्टि चलती है। तो डायरेक्ट रहिए, किसी एनजीओ के चक्कर में मत आइए, किसी एक्टिविस्ट के चक्कर में मत आइए, पुलिस के, गवर्नमेंट के, पॉलिटिशियन के, किसी के चक्कर में ना आइए, और फेयरली ये कास्ट बायस को आप कवर करें। मेरा सवाल दो बार इन्होंने कहा है, समाप्त हो गया है, मैं भी समाप्त करता हूँ, मुझे पानी भी पीना है। सर क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? हाय सर, मेरा नाम मेहुल है, मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी से हूँ। आपने बोला कि डोंट गेट कैरीड अवे और फैक्ट्स को चेक कीजिए। कई सारे केसेस जिसमें पहले कुछ और पर्सपेक्टिव सामने आया, लेकिन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन समथिंग अदर, सम अदर थिंग केम आउट टू बी ट्रू। बट आई जस्ट सर्च ऑन दैट भावनगर वाला केस यू इन्फ्लुएंस्ड ऑन, द न्यूज आर्टिकल्स आर स्टिल फॉलोइंग द सेम एंगल दैट वॉज टेकन इनिशियली। So, as a professional journalist, if I want to write, after checking my facts, after investigating, if I want to write something which is true, which is the right fact, I think in current times, media houses, the employers, they also don't want to follow the right path, but the path, but the angle which gives TRPs or things. So, how difficult is it to like, follow professional journalism, to be a professional journalist in the era where the media houses are looking for their own publicity, TRPs and things? यार मैंने अपनी वेबसाइट क्यों शुरू की, मैं प्रिंट में जर्नलिस्ट था, अच्छा खासा सबसे बड़े अखबार में था, क्योंकि जो विचार मैं न्यूज़पेपर प्रिंट में नहीं रख सकता था वो मैं ब्लॉक कर देता था, और वो तो बहुत चल पड़ी, मैंने नौकरी भी छोड़ दी। तो अभी तो आपके पास मीडियम पूरे उपलब्ध है, जो विचार वहाँ पे सप्रेस होता है वो और जगह पे रख दीजिए। लेकिन मैं बताता हूँ कि फेयर जर्नलिज्म हर एडिटर को पसंद आता है, ऐसा नहीं, इतना बुरा नहीं है। आप दोनों पर्सपेक्टिव लिखिए, एक पर्सपेक्टिव लिखिए, दूसरे को मेंशन कर दीजिए। ठीक है, हमारे एक बहुत सीनियर एडिटर थे मिस्टर मिस्त्री, तो एक लड़का ये स्टोरी लेके आया कि एक भाई साहब ने ये किया है, तो मिस्त्री ने उस रिपोर्टर को बुलाया, बताया ये भाई साहब के बारे में इतना खराब लिखा है, कल ये भाई साहब जब ये अखबार उनका बेटा पढ़ेगा तो उसको क्या खुलासा देंगे अपने बेटे को, कि बेटे ये सच नहीं है, ये सच है, तो ये खुलासा उसको पूछ के आओ, और ये पिछली चार लाइन में मेंशन कर दो। ठीक है, तो अगर तुम्हें चार पर्सपेक्टिव मिलते हैं तो ये भी लिखो कि पुलिस का ये कहना है, लेकिन अभियुक्त का ये कहना है, लेकिन गाँव वालों का ये कहना है, लेकिन जो पकड़ा गया है उसका ये कहना है, लेकिन FIR में ये था, लेकिन कोर्ट में फिर क्या हुआ, तो पीछे पड़े रहो पूरे।
लेकिन सब पर्सपेक्टिव कवर करेंगे, डोंट बी एक्टिविस्ट, कैरियर अवे मत हो जाओ कि ये मजलूम है तो मैं बस उसके लिए लगा रहा हूँ। अच्छा मैं जितने मैंने गलत चीज से सुना है कि गलत पढ़े, उतने सच्चे भी पढ़े हैं, तो ये फैक्ट है, एट्रोसिटी है, बायस है, इतने भी सच्चे भी पढ़े, ठीक है, तो वो होता है, तो हर पर्सपेक्टिव कवर करो। गुड आफ्टरनून सर, सो माय नेम इज उज्जवल अग्रवाल फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। सर आपने कहा था कि आजकल न्यूज़पेपर्स में एडिटर्स जो होते हैं कास्ट का मेंशन करते हैं ताकि उन्हें रीडेबिलिटी मिले। सर मेरा सवाल ये है कि आज न्यूज़ चैनल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है न्यूज़ देना लोगों को, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स नाउडेज़। सर लेकिन ऑन द अदर हैंड उन्हें टीआरपी चाहिए, प्रॉफिट्स भी चाहिए। अब उसके लिए उन्हें कास्ट का मेंशन करना, थोड़ा फेक न्यूज़ दिखाना, थोड़ा येलो जर्नलिज्म प्रेजेंट करना, ये भी करते हो। सो हाउ डू यू थिंक दैट बोथ द थिंग्स कैन गो हैंड इन हैंड? यार ये कास्ट का मेंशन मुझे भी करना पड़ता है कोई बार, क्योंकि क्या होता है कि मेंशन किए बिना चलता नहीं है, अब क्या करें, ये पूरा एक पैटर्न बन गया है। तो डायनेमिकली केस टू केस डिसीजन लो, जब आप करियर में जाए तब केस टू केस डिसीजन लो। अगर ज़्यादा रेबेल हो जाएगा नौकरी चली जाएगी, ठीक है। एडिटर को कन्विंस करने का भी पावर रखो, चीफ रिपोर्टर को, कि सर मेरा ये मानना है, मेरा ये स्टैंड है, क्या मैं इस तरह से स्टोरी जाने दूँ? उनकी बात भी सुनो, वो भी ह्यूमन है, कोई इतना खराब भ्रष्ट नहीं है जितना बाहर से आप देखते हैं। और ये क्या है कि कास्ट का लिखने का एक बड़ा एजेंडा भी है। जैसे अगर एक्टिविस्ट को पकड़ लिया तो एक्टिविस्ट कोई एनजीओ में काम करता है तो वह एनजीओ के हेडक्वार्टर में जाओ, उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसके डॉनर की लिस्ट देखो, उसका FCRA का सबमिशन देखो, FCRA यानी फॉरेन फंड उसको कहाँ से आते हैं, उसका सबमिशन देखो, तो आपको फॉरेन की संस्थाएं मिलेगी। वो संस्थाओं के बारे में गूगल करो तो आपको देखा कोई फॉरेन की स्पाई एजेंसी इस संस्था को फंड कर रही है, कोई रिलीजियस संस्था इसको फंड कर रही है। और मैं इसमें दो तीन किताबें भी आपको पढ़ना सजेस्ट करूँगा यार, लेकिन वो पढ़ के अपना काम से काम रखना, कैरिड अवे मत हो जाना, ठीक है। एक है पास्टर फॉर दलित है, दूसरा ब्रेकिंग इंडिया है, ये दोनों आपको दूसरा पिक्चर दिखाएगी। और बाकी जो दलितों के बारे में पब्लिकेशंस निकलते हैं, नवसर्जन करके संस्था है, दूसरी और काफ़ी संस्था है, वो आपको दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाएगी। तो दोनों पर्सपेक्टिव पढ़ो और पढ़ने के बाद बैलेंस करो। और किरण बेदी ने हमको बताया था, हमने जब पूछा था किरण बेदी को कि आप ये IAS IPS पॉलिटिशियन की सिस्टम में ये काम कैसे किया आपने, तो उन्होंने कहा कि आपके पास कन्विंस करने का पावर होना चाहिए, अगर आप सच है, आप फेयर है, तो कन्विंसिंग पावर होना चाहिए। तो ये डेवलप करो अपने में कन्विंसिंग पावर। यार मेरी तो छोटी मोटी वेबसाइट है, deshgujarat.com करके वेबसाइट है, हम 3-4 लोग चलाते हैं, वो ज्यादा कोई बड़ी वेबसाइट नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू जापन सर।